some teacher used to, you know, assault. मैम ने बोला, पता है, you won't believe, मैम ने पता है क्या बोला? कि तुम लोग गाना क्यों गा रही थी? और टीचर ने उसकी कॉपी फाड़ दी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट. ये है एपिसोड 2. आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में. पहले तुम ये बताओ ऑडियंस को कि तुम इतने इनकंसिस्टेंट क्यों हो. सबसे पहले आप ये बताओ कि आप इनकंसिस्टेंट क्योंकि मेरा दीदी से लड़ाई हो गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे. तो फाइनली कल हमारा बातचीत हो गया. अगर आप लोग इंडिया से हो तो आपको पता ही होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है. पहला टॉपिक ये था, सॉरी, हमने डेज करा है. यू कैन सी गाइस कैसा है, आप लोग कमेंट से जरूर बताना. खैर, वीडियो कैसी लगी ये मत बताना, बट ये कैसा लग रहा है ये जरूर बताना. तो पहला टॉपिक है फैशन एंड फर्स्ट टॉपिक है फैशन और स्टडी. आप बताइए कि फैशन और स्टडी क्या है. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो लोग फैशन पे ज्यादा मतलब वो करते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि फैशन क्या पहन के आना है, क्या अच्छी लगेगी, ये नहीं. वो लोग मतलब ये ज्यादा देखेंगे कि कौन सी लड़की स्कर्ट कितना बड़ा पहनी, कौन सा छोटा पहनी है, किसने सूट नहीं पहना, किसने दो छोटी बनाई है. मतलब पढ़ाई से ज्यादा वो लोग इस पे फोकस करते हैं. और इसकी वजह से पता है वो लोग एक बच्चे को जज कर लेते हैं कि अगर इस लड़की ने बाल मतलब ऐसे बनाया, छोटी नहीं बनाई, बाल खुल के आई है, तो ये पढ़ने में बदतमीज होगी. क्योंकि मेरे क्लास में एक टॉपर थी पता है, लेकिन उसके बाल इतने छोटे थे, यूनिट डोरा जैसे. तो वो बाल खोल के आती थी एंड लिटरली इसका मैम ने ऐसे बाल पकड़ के खींचा था एंड बोला था फैशन कम करो. बट पता है वो टॉपर थी क्लास की. लेकिन जो हमारी जो प्रिंसिपल थी, जो हमारे क्लास में कभी पढ़ाती नहीं थी, उनको नहीं पता था. उनको लगा था कि ये बदतमीज है. लेकिन हमारी क्लास टीचर को पता था, सारे बच्चों को पता था कि वो टॉपर थी. बट उसके बाल की वजह से लाइक मैम ने बोला कि फैशन कम करो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो. बट वो पढ़ाई करती थी, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. सो लगता है लोगों बाल ऐसे ऊपर की तरफ है तो बहुत बड़ा हेयर स्टाइल है. भैया इसमें कौन सा हेयर स्टाइल हो गया. लोग कहते हैं कि आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, आप लोग को लगता है कि आप फैशन करने आ रहे हो, पार्टी करने आ रहे हो, क्लब में आ रहे हो. भैया तुम्हारा स्कूल क्लब नहीं है, प्लीज, जेल है जेल. पर क्या उन लोगों के मन में आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि बाल ऐसा है हेयर स्टाइल तो वो बंदा या बंदी वो क्लब में आया है या फिर वो स्कूल नहीं समझ रहा है उसको, पार्टी का वो समझ रहा है हॉल. मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मे बी आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा कि माय टीचर इज यूज्ड टू हेट मी. क्योंकि मुझे इतना ज्यादा वो किया गया है, बुली किया गया टीचर्स के द्वारा. क्योंकि सी आई वॉज नॉट लाइक, मैं ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी स्टूडेंट थी, गधी स्टूडेंट थी. मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मतलब वेल नोन थी मैं. बहुत बकवास कर लिया आपने. सो मैं कहने का मतलब ये है कि जितना बकवास ये सब करने में करते हैं, अगर उतना वो पढ़ाई में करते हैं तो आज यू नो कहाँ से कहाँ होती, बच्चे कहाँ से कहाँ होते. मैंने गूगल पे सर्च किया था कि किस कंट्री का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, तो यूएस आया था, अमेरिका आया था. आपको पता ही है कि वहां पे अमेरिकन बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, यू नो LGBTQ लोग कितना सपोर्ट करते हैं. इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट यू नो बट वहां पे देख लो सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अमेरिका में. अमेरिका में देख लो बच्चे क्या कपड़े पहनते हैं. कभी अमेरिकन मूवी देख लेना हॉलीवुड, समझ में आ जाए. वहां पर बहुत सारी गोली भी लगता ना, यू नो शूटिंग होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं. और हमें दूसरी कंट्री को नहीं देखना चाहिए, हमें खुद का देखना चाहिए दूसरी कंट्री क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे हमें कोई लेना नहीं होना चाहिए. क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेटर है कंपेयर टू अस. लाइफस्टाइल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स अबाउट कि उन्होंने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया तब वो लोग आगे हैं. वहाँ पे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बट छोटी छोटी चीजें कपड़ों पे नहीं उन्होंने फोकस किया है. ये चीजें है ना कि, और वो एग्जांपल भी देता है कि जापान में देखो इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाइना में देखो इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं, वैसे इंडियन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए. तो भाई तुम कंपेयर किससे करो, जापान से कि उससे. इंडिया में 4-4 घंटे तुम ट्रैफिक में जा रहे हैं, हम लोग पीपी 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 हो रहा है. इतना मरने के बाद अगर हम कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो आप इतने घंटे पढ़ पाओगे, लेकिन जापान में बिल्कुल डिफरेंट. इतना लोग हॉर्न नहीं बजाते, इतने ट्रैफिक नहीं होते, इतना वो रुकना नहीं पड़ता है, इतना धूप नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है, इतना चलना नहीं पड़ता है, ऐसे टूटे फूटे रोड नहीं रहते हैं. इसलिए चाहते हैं लोग कि बच्चे पढ़े जापान के बच्चों की तरह, चाइनीज बच्चों की तरह 10-12 घंटे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा देंगे, टूटे फूटे रोड, एबल और चेयर बहुत गंदा, और कभी कभी फैन भी नहीं चलता गर्मी में. मे बी आप लोग अच्छे शहर में रहते हो, वहाँ पे अच्छा होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि सबका अच्छा ही होता है. एंड देखो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, एंड हमारे जो कॉलोनी यहाँ पे रोड तक नहीं बने हैं. यू नो अभी ये लोग रोड पे बहस कर रहे हैं कि रोड बनाओ रोड बनाओ. भाई दुनिया यू नो मून पे चली गई है दुनिया, एंड यहाँ पे हम लोग रोड के लिए रोते हैं. पता है यूनिवर्सिटी में जब बैठी थी गर्मी होता है, टेबल पे पता है धूल मिट्टी रहती है, और मैंने बस सर को बोला नहीं कि सर फैन चला दीजिए ये खराब है, तो कह रहे कि मैं क्या करूं, जाके वही जहां मतलब जो है यहाँ पे मेन हेड है उनसे बात करो. मैंने गर्मी में अपना एग्जाम लिखा, मेरे फिर से एग्जाम्स होने वाले, आप तो समझ सकते हो. अभी देख लो इसका मुंह देख लो, गर्मी हो रही है मुझे भी.
सोचो मैं कैसे एग्जाम दूंगी 3 घंटा बैठ के। इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसा देंगे और सोचेंगे कि बच्चे मून पे जाएं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि गर्मी हो रही है फिर भी पढ़ो, पसीने धूल मिट्टी में पढ़ो एंड करो। नहीं भैया, कौन करेगा, तो यही ना टॉर्चर कर रहा है तुम बच्चों को, कौन ऐसा पढ़ना चाहेगा। ऑब्वियसली लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रटते हैं यू नो, और रट के वो पाते हैं 95%, 98%। इवन क्लास 8, 9 में मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो मैथ्स के भी जो क्वेश्चन होता है उसको पूरा रट लेते हैं। आई ऑल्सो नो, मेरे भी स्कूल में ऐसे थे क्लास में। साइंस ठीक है, हिस्ट्री ठीक है, हिंदी, लेकिन मैथ्स कौन रटता भाई। तो वो बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं क्योंकि उनका माइंड तेज रहता है, अनलाइक अस। भाई रटने में तेज होता भाई, मैं तो नहीं रट पाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं रटा जाता है। मैं समझती हूँ तब मुझे ज्यादा अच्छी मतलब लिख सकती हूँ, बट रट के मैं नहीं लिख सकती। 2 लाइन लिखूंगी फिर भूल जाऊंगी अगला वर्ड क्या था। मतलब पूरी मैथ्स की बुक को खोलते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं और लर्न करते हैं, 10-10 बार रीड करते हैं, राइट करते हैं, और उनके अच्छे परसेंटेज आते भी हैं, 95%, 98%। पहले की बात करता हूँ, 8th, 9th में, क्योंकि 10th की बात उतना होता नहीं है। एंड पता है टीचर्स को क्या लगता है कि जो बच्चे रट के पढ़ रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो समझ के पढ़ रहा है और जिनका कम नंबर आ रहा है यू नो वो मतलब खराब पढ़ रहा है। क्योंकि मेरे भी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जो रट रट के पढ़ते थे, बट अगर जैसे कंप्यूटर का है ठीक है, कंप्यूटर में वो रट रट के लिख देते थे कि ये होता है, ये कोड ये होता है, ये होता है, बट जब सीधा वो लोग कंप्यूटर में बैठते थे ना, उनको ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर को ओपन कैसे करना है, कोडिंग कैसे करनी है, उनको कुछ भी नहीं पता होता था। HTML हम लोग पढ़ते थे ना भाई, कुछ भी उन लोगों को नहीं आता था, बट उनके मार्क्स कितने आते थे, 90-70 यू नो, और उनके मार्क्स कैसे आते थे भाई, 100 out of 100, 100 out of 90, 90 out of 100। लेट मी टेल यू, जो कंप्यूटर के टॉपर्स थे ना मेरे क्लास में, उनको कंप्यूटर खोलने में नहीं आता था, कि कैसे कोडिंग का सी भी नहीं पता था उन्हें लिटरली, और वो टॉप करते थे कंप्यूटर में, और टीचर्स को लगता था, पेरेंट्स को लगता था कि वो बच्चे बहुत टॉप है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यू नो वो बच्चे गलत हैं, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा पेरेंट्स और टीचर्स ऐसे कर देते हैं, 100% लाओ तुम आंसर लिखो, पेजेस भरो, उनकी वजह से बच्चों की गलती नहीं है ये, यू नो ऐसा एनवायरमेंट है। टीचर्स भी होते हैं ना वो बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं लेते हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो गए ना, लगता है कि कौन सा बड़ा, अगर बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस वो दे देंगे तो बहुत बड़ा काम कर देंगे, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत बदमाशी करने लगेंगे। हम लोगों को तो लैब आई थिंक साल में 1-2 बार लेके जाया जाता था, और कंप्यूटर के एग्जाम हर महीने होता था। कंप्यूटर छोड़ो भाई, फिजिकल एजुकेशन, फिर से बोलो कंप्यूटर बोलो तो, कंप्यूटर छोड़ो भाई, फिजिकल एजुकेशन में इवन आई नो कि मैंने फिजिकल एजुकेशन नहीं लिया था, लेकिन मेरा फ्रेंड था उसने लिया था। टीचर आते थे, बोलते थे, बच्चे लाइब्रेरी पे लिखते थे। मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बोला है कि फिजिकल एजुकेशन में योगा ये होता है, खरगोशा आसन ये होता है, ये होता है आसन ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम जब होता था तो कहते थे कि करो तुम लोग, भाई हमने बुक में पढ़ा है कैसे करते हैं, ऐसा थोड़ी खरगोशा बन जाए। एक वो स्टेप होता है ना, सूर्य नमस्कार करते हैं उसका है, हर एक स्टेप होता है, अब ऐसा थोड़ी ना कि हम स्टार्टिंग में ही बैठ जाएंगे सूर्य नमस्कार करने ठीक है, तो भाई पता नहीं रहेगा, बुक में बस बोल दिया फोटो देख लो ये होता है ये वाला आसन होता है, बट इवन करो और फिर बच्चों को फेल कर दिया। और इवन टीचर्स जो पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन उनका कोई फिजिकली कोई होता नहीं। मेरी जो टीचर थी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती थी, पता है हम दोनों को मिला के, हम लोग किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहे, यू नो फैक्ट शेमिंग नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक हम आपको बता रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा रखते हैं ना कि भैया तुम खुद का देखो, तुम कैसे हो, उनकी हिम्मत तो देखो। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। डोंट नो अबाउट अदर स्कूल, मे बी अदर स्कूल्स में होता होगा, क्योंकि जब मैं छोटी थी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पे स्पोर्ट्स होता था क्लासेस, यू नो अगर 4 पीरियड पढ़ाई का हुआ तो लास्ट पीरियड हमेशा यू नो स्पोर्ट्स का होता था, बट आफ्टर 6th क्लास जब मैं जिस स्कूल में गई थी वहां पे ठीक है वहां पे बिल्कुल भी स्पोर्ट्स नहीं होता था, एंड उनके पास जगह भी नहीं था। लेट मी टेल यू, जब स्पोर्ट्स डे होता था ना, साल के 2 दिन होता था स्पोर्ट्स डे, 2 या 3 दिन, तो हम लोगों को उस स्कूल के दूसरे ब्रांच में जाना था स्पोर्ट्स खेलने के लिए। एंड वो जो ब्रांच था ना उनके पास बहुत ज्यादा जगह था, मतलब बहुत ज्यादा जगह था, मैं आपको बता रही हूँ, बट वहां पे भी स्पोर्ट्स डे, मतलब वहां के भी बच्चों से मैंने पूछा था ना, यार तुम लोग का तो बहुत ज्यादा यू नो ग्राउंड वगैरह है, तुम लोग तो खेलते हो ये स्पोर्ट्स, हम लोग का जो ब्रांच है वहां तो नहीं होता है, तो दे वर लाइक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बस ऐसा ही, बस स्पोर्ट्स डे पे ये लोग झंडे वंडे लगा देते हैं, दौड़ाते हैं बच्चों को नींबू वगैरह चम्मच और फर्स्ट सेकंड सेकंड हिपे फुर रहे हैं, बस यही करते हैं, बाकी उन लोगों का कुछ नहीं रहता है। तो मैंने सोचा है ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ग्राउंड था तो वो लोग करवाते थे, नहीं करवाते थे। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग, ये कौन सा बात है भाई कि एक टीचर पढ़ा रहा दूसरा टीचर आ रहा है कह रहा है कि 15 अगस्त आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है, तो कुछ बच्चे आ जाओ सिंगिंग के लिए, और दूसरा टीचर ऐसे साड़ा दे रहा है जॉब कौन करेगा।
तुम दोनों टीचर एक ही स्कूल के हो, बच्चे उसी स्कूल के हैं और तुम लोग खुद ही लड़ रहे हो, लग रहा है कि दूसरे देश के दुश्मन बच्चे आ गए हैं वो डांस करने के लिए। बट पता है मुझे किस चीज पे हंसी आ रही थी, जो हमारी क्लास टीचर थी ना, शी वाज लाइक कि वो बायो की टीचर थी एंड शी वाज लाइक कि जो बायो के बच्चे होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं एंड उन लोगों को ना सब कुछ करना चाहिए, डांसिंग भी उनको आती, सिंगिंग भी आती है, बिकॉज आई डिड दैट, तुम लोगों को भी आते, सिंगिंग आनी चाहिए, डांसिंग आनी चाहिए, स्पीच दो तुम लोग टॉपिक्स पे, यू नो जो होता है ना, डिबेट करो सब कुछ करो। बट होता था ना कि 26 जनवरी 15 अगस्त है तो बच्चों को बुला लीजिए या फिर फेयरवेल है, भाई वो टीचर हमें साइड में खड़ा करके डांटती थी, तुम कहां पे थी, क्या कर रही थी, डांस आना जरूरी है, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, वो नहीं देख रही हो। आई वाज लाइक कि भाई यही वो टीचर है जो हमें कहती थी कि बायो के बच्चे बहुत वो होते हैं, यू नो टैलेंटेड होते हैं, इनको सब करना चाहिए। और भाई जब 15 अगस्त होता था 26 जनवरी सबसे पहले आगे बैठ के लड्डू खाती थी और हमारा परफॉर्मेंस एंजॉय करती थी, वही वो टीचर थी जो मतलब क्लास में सारे बच्चों को डांटती थी। मुझे ये नहीं समझ में आता, एक टीचर बोलता था कि डांस करो आ जाओ और दूसरा टीचर मतलब घूरता था। वो सेम स्कूल के टीचर्स हैं, सेम फैकल्टी है, सब कुछ सेम है, उसके बाद भी इतना यू नो ऐसे लोग करते हैं, लगता है कि दूसरे देश के आ गए, दूसरी दुनिया के आ गए बच्चे डांस करने के लिए। पता है वो आने नहीं दे रही थी, तो मेरी जो एक मैम थी जो डांस वांस करवाती थी शी वाज लाइक वो अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ और उनको बोलो कि जो हमारी प्रिंसिपल टीचर है उन्होंने हमें बोला है कि हम लोग डांस करने के लिए आ जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तब वो गए, तब एक बच्चा गया था, उन्होंने बोला था कि मैम नहीं, वो फिर वो मैम गुस्से में गई थी क्लास में, बोली थी कि मैम प्लीज आप इन लोगों को आने दीजिए क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने ऑर्डर दिया कि इन बच्चों को भेज दीजिए। तब जाकर उस टीचर ने बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ। एक्चुअली पता है वो सीनियर टीचर थे ना, तो वो लोग जूनियर टीचर पर ज्यादा वो नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते, देवर लाइक सीनियर टीचर है हमारे बच्चे, हमारा यू नो हम बड़े यू नो सीनियर टीचर है तो हम जो मन चाहे वो करेंगे। जूनियर टीचर को वो लोग भाव ही नहीं देते थे। और जो मैं डांस सिखाती थी वो जूनियर टीचर थी बट शी वॉज फेमस, वो सारे बच्चों की वो थी यू नो प्यारी जो होता है ना कि सबसे सारे बच्चों को मानते थे, बट उनकी कोई रिस्पेक्ट, मतलब यही होता सीनियर जूनियर टीचर में, आई थिंक कंपटीशन ऐसा था। तो डांस सिखाते हो तुम लोगों को क्या ही करना है, देश भविष्य जाए भाड़ में, और हम लोग तो यू नो पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हमारे जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे, तो हम तुम्हें क्यों भाव दें भाई। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि अदर स्टडी नहीं होता स्कूल में, स्टडी नहीं होता, उसके अलावा भी चीजें होनी चाहिए, जैसे अदर बच्चे कर सके, स्पोर्ट्स हो या सिंगिंग हो डांस कुछ नहीं करना, वो तो बच्चे जब खुद से वो क्लासेस लेते हैं या खुद से सीखते हैं ना, तो वो जाके जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तब उनको बच्चे जानते हैं, तब उनको लोग जानते हैं। मेरे क्लास में एक बार लड़की ना, मैं ही थी कि कौन थी, मतलब मुझे ही देख के मैम बोल रही थी, मैंने चोटी नहीं किया था, मैंने बस यू नो ऐसे ऐसे मैं बांध के गई थी, ठीक है मैंने चोटी नहीं की। और पता है वो जो टीचर थी ना, उन्होंने पता है क्या बोला था कि कुछ कुछ लड़कियां होती हैं जो स्कूल में सिर्फ फैशन करने आती हैं, इन लोगों को एक्ट्रेस बनना होता है, बट तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे इतने नेपो किड्स हैं, एक्ट्रेस वही बनते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्ट्रेस भी ऐसे आसानी से नहीं बन जाते हैं, तो तुम लोग ये मत सोचा करो कि एक्ट्रेस बनना तो तुम लोग आसानी से बन जाओगी, फैशन करोगी या एक्ट्रेस बन जाओगी। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना है, मुझे आलिया भट्ट से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, मुझे अनन्या पांडे से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, बस मेरे बाल यू नो बात कही थी मैम यहाँ से वहां चली गई। और एक बार मैं, मेरी जो फ्रेंड है, हम लोग गाना बहुत गाते थे, तो हमने पता है एक बार गाना गाया था एंड एक लड़के ने हमें आई थिंक चिल्लाया था हमारे ऊपर कि क्या किया था, एंड आई थिंक वो लंच टाइम था, ठीक है वो जाके मैम से कंप्लेन कर दिया, नहीं हम लोग गए और ये बात कंप्लेन की कि उस लड़के ने हमारे साथ ऐसे बदतमीजी की है, तो हम लोग मैम से गए कि मैम हम लोग गाना गा रहे थे ऐसे बैठ के यू नो हमिंग मतलब ऐसे गा रहे थे, उस लड़के ने हमें ये किया, हमें कुछ ऐसे बुरा गंदा सा बोला, मैम ने बोला पता है यू वॉन्ट बिलीव, मैम ने पता है क्या बोला कि तुम लोग गाना क्यों गा रही थी, वो तो बोलेगा ही ना भाई। मैं वहां पे पता है आई वाज लाइक कि चलो यहाँ से, मतलब ऐसा फील हुआ ना कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं कि मुझे कोई कुछ बोल दे तो मैं उसको बोल सकूं, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं टीचर हैं वो हम ही को ब्लेम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो तो बोलेंगे। दैट डे ना आई वाज लाइक कि भाई आई एम नॉट सेफ हियर, इवन कोई लड़का हमें मार दे फिर कुछ भी कर दे ना, हम टीचर को जाके बोले तो दे वर लाइक कि तुम खड़ी क्यों थी, ऐसा क्यों तुम स्कूल आई क्यों थी, मत आती। आई वाज लाइक यार शी इज सच, कुछ टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं जेन्युइन, मतलब मुझे भी कुछ कुछ टीचर मिले हैं अच्छे, बट या और मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ ना, जो वीडियोस ऐसे आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, ऐसे आते रहते हैं कि बच्चे को मार रहे हैं डंडे से, मोटे मोटे 10 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को मोटे मोटे डंडे से जो मारते हैं, हाथ पैर पूरा लाल कर देते हैं, मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ। सम गेट इनटू फिजिकल एंड सम गेट इनटू मेंटल हेल्थ पे भी, मतलब मेरा तो बहुत मेंटली चीजें हुई हैं, बहुत यू नो सम टीचर यूज्ड टू यू नो असॉल्ट गर्ल्स इन द क्लासरूम, आई कांट इवन से दैट थिंग, आई नीड थेरेपी फॉर दैट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेलिटी, स्कूल में जो फॉर्मेलिटी होती है, ओ माई गॉड, लाइक
इस पेन से लिखो, इस पेंसिल से लिखो, कलर से यूज करो, ऐसे हेडिंग डालो, ऐसे सब हेडिंग डालो। यहाँ पे जब आंसर खत्म हो जा रहा है तो उसके एक लाइन छोड़ने के बाद स्केच से वो करो, अंडरलाइन करो। ओ माय गॉड, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे क्लास फिफ्थ में था कि आपको ब्लू पेंसिल से, ब्लू कलर की पेंसिल कलर से एक आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन करना है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। और सिक्स से पिंक कलर का पेन, मतलब क्लास फिफ्थ में ब्लू कलर का पेंसिल और सिक्स से पिंक कलर के पेन से आपको अंडरलाइन करना है। सो रैंडम, और नहीं करोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और फाड़ के फेंक दी जाएगी। लिटरली पता है मेरे स्कूल में क्या हुआ था कि एक बच्चे ने अंडरलाइन नहीं किया था, ठीक है, एंड आई थिंक उसने कवर नहीं लगाया था। कवर जो था उसको लगाना था ब्राउन वाला, बट उसने आई थिंक ट्रांसपेरेंट वाला लगाया था। तो टीचर ने मना किया था कि ट्रांसपेरेंट वाला कोई भी बच्चा नहीं लगाएगा, सबको लगाना था वो ब्लैक वाला, जो ब्राउन वाला नहीं आता है कवर, यू नो कार्डबोर्ड जैसा होता है कलर का, वो लगाना है। उस बच्चे ने नहीं लगाया था, वो कॉपी चेक करवाने के लिए गया और टीचर ने उसकी कॉपी फाड़ दी। कैन यू इमेजिन। उसके बाद ये अभी कॉलेज में आप A4 शीट पे लिखो, नहीं A3 शीट पे लिखो, और A4 शीट पे लिख रहे हो तो दो होता है, एक पूरा यू नो इंटरलीव होता है, तो इंटरलीव पे लिखो। दूसरा टीचर बोलेगा नहीं आप जो नो ब्लैंक पेज रहता है A4 उस पे लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ब्लैंक पेन से लिखो, 8 पेज लिख दिया मैक्सिमम, 8 पेज लिखो, 7 पेज मत लिखो, कम से कम 7 लिखो और आधा 8 पेज लिखो, कम से कम 10 पेज लिखो, 9 पेज लिख दिया तो नहीं चेक होगा, 11 पेज लिख दिया तो बहुत ज्यादा है। अंडरलाइन करो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, ब्राउन कलर कवर चाहिए, पिंक कलर कवर नहीं चाहिए, येलो कलर का कवर चाहिए, ब्लू कलर का कवर नहीं चाहिए। और यू नो व्हाट, जो लेटर भी लिखते हैं ना हम लोग हिंदी इंग्लिश में, उसका भी जो हमारा फॉर्मेट वो होता है ना, फॉर्मेट जो होता है ना वो हर साल चेंज होता था। कभी ये था कि डेट राइट में एंड करना है, कभी ये होता था कि डेट लेफ्ट में एंड करना है, कभी ये होता कि डेट ऊपर लिखना है, कभी होता था कि योर नेम यहाँ लिखना है, कभी होता था लेटर में लिखना। भैया तुम्हारा जो फॉर्मेट है लेटर लिखने का वो हर साल चेंज हो रहा है, बच्चे कैसे याद करेंगे, कैसे लेटर लिखेंगे, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग। और जो लैब मैनुअल हमसे बनवाया जाता था जिसका कोई फायदा नहीं था, ज्यादा हो जाएगा तुम लोग ज्यादा लिखना पड़ेगा, बट जब सबमिट करने जाओ तुमने इतना कम क्यों लिखा है, ये बात तुमने गायब कैसे कर दिया। अरे सर आपने ही बोला था एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, एंड हम आपको मिलते हैं एक महीने बाद, क्योंकि मेरा भाई तो कंसिस्टेंट रहता ही नहीं है। तो या एंड बताओ नेक्स्ट टॉपिक हमें किस बारे में बात करनी चाहिए, प्लीज इसके लिए हेल्प होगा, ही विल कम विद दैट। या गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी होली, क्योंकि आज होली नहीं गोरखपुर में ना, कल है। ओके बाय गाइस। और एक और बात गाइस, की जो माइक है ना ये काम नहीं कर रहा है, ये माइक में आवाज नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे ही लिया। So guys, thank you so much for watching this video. हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।